जिनके पास आंखें हैं वो जिंदगी में भी नहीं सोच सकते कि आंखें ना हो तो जिंदगी कैसी होगी, लेकिन जिंदगी में हर काम संभव है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नेत्रहीन बच्चों ने, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बेरंग बेमतलब लेकिन हकीकत में दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये कहानी है उन 5 नेत्रहीन बच्चों की जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद कैमरे के जरिए बंद आंखों से खुली जिंदगी के नजारों को अपने कैमरे में कैद किया है। अक्सर लोगों को लगता था कि नेत्रहीन बच्चे केवल संगीत और पढ़ाई लिखाई ही कर सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच को बदला जयपुर के 2 यंग युवा फोटो आर्टिस्ट चंदन और गुनगुन ने। इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर सकता। इन दोनों आर्टिस्ट ने बच्चों को फोटोग्राफी वर्कशॉप देकर उनको फोटोग्राफी के बारे में बताया और सिखाया, और आज ये बच्चों का पैशन बन चुका है। साउंड सुनकर, ऑब्जेक्ट को साउंड है, साउंड सुनकर, और जो ऑब्जेक्ट को साउंड नहीं है टच कर, कैमरा भी देख नहीं सकती, अनुमान ठीक ठाक से लगना नहीं, हाँ सब कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक हो गए बारे में क्लास करके सब कुछ ठीक होएगा। बच्चों को लगता था कि वो कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते और ये मजाक है, लेकिन जब इन दोनों ने बच्चों के हाथों में कैमरा थमाया तब इनको लगा कि कैसे होगा ये सब कुछ। इनकी प्रेरणा बने चंदन और गुनगुन जिन्होंने इनके सपनों को जगाया। बच्चों का कहना है कि दोस्तों के साथ घूमने जाते थे लेकिन वहां के नजारों को केवल दिल में संजो के रखते थे, लेकिन आज हम उन पलों को कैमरे में कैद करके दुनिया को दिखा रहे हैं। जिन्होंने कभी खुली आंखों से दुनिया को नहीं देखा, आज वही बच्चे दुनिया के नज़ारे और उनके ऐतिहासिक पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, और इन्हीं को वर्कशॉप दे रहे हैं जयपुर के 2 यंग आर्टिस्ट, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये इन ब्लाइंड बच्चों को किस तरह से सिखा रहे हैं, किस तरह से इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गुनगुन से, जो बताएंगे हमको किस तरह से इन्होंने इन सभी बच्चों को वर्कशॉप देकर फोटोग्राफी सिखाई है। 8 दिन की वर्कशॉप थी जिसमें हमने पहले 2 दिन फ्रेम पे काम किया। एक हम खाली फ्रेम लेके गए थे लकड़ी का, उस पर काम किया तो जिससे इनको फ्रेम का एक आइडिया हो जाए, क्योंकि साउंड को हम फ्रेम में नहीं देखते हैं पर फोटोग्राफ फ्रेम में आएगी। तो उससे उनको एक फ्रेम का आइडिया दिया कि जैसे फ्रेम, अगर वो सामने फ़ोटो खींच रहे हैं तो अगर सामने से आवाज़ आ रही है तो वो फ्रेम में आएगा, इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग रोज़ आउटिंग पे जाते थे और अलग अलग जगह, जैसे कभी सब्जी मार्केट, कभी मंदिर में, कभी प्लेग्राउंड में, कभी किसी गंगा घाट पे, तो वहाँ पे हम ऐसी वॉक्स पे जाते थे और उस दौरान बच्चे फ़ोटोज़ खींचते थे। कुछ ज़्यादा ऐसे करना नहीं पड़ा, दरअसल हमें इनको डिस्क्रिप्शन देना था कि दाएं क्या है, बाएं क्या है, सामने क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। बाद में ये बच्चे स्वयं चूज करते थे कि इनको कौन सा फ़ोटो लेना है। तो और दरअसल हमें ज़्यादा सीखने को मिला इन बच्चों से कि ये हमारे टीचर, ये उन वर्कशॉप में ये हमारे टीचर थे और हम इनके स्टूडेंट थे, तो ऐसा था। पहले हम सब लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, और उन्होंने ये तरीके सिखाया कि कैसे हम फ़ोटो खींचेंगे, कैसे मतलब कितने कैमरा को कितने डिस्टेंस में रखना चाहिए जिस चीज़ को फ़ोटो खींचना है। तब हम साउंड सुनकर ये समझ लेते हैं कि वो चीज़ कितने दूर है, तब हमको तो यही पता है कि वो कैमरा को कितने दूर रखना चाहिए जिस चीज़ का फ़ोटो खींचना है। तो ये सारे नज़ारे इन्होंने अपने खुद के कैमरे में कैद करके यहाँ पे मौजूद लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर दिया है कि ये ब्लाइंड बच्चे भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ महिमा मंत्री, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।